ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने बताया कि अगर आपको अपने डेटा के किसी एक कॉलम का टोटल चाहिए हो, सम जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ कार्ड का यूज करते हैं। कार्ड के ऊपर जब अपनी हम उस फील्ड को रखते हैं, जैसे कि मैंने अपनी क्वांटिटी को रखा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए क्वांटिटी यहाँ पे आ गया 3.6K, राइट। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है। सबसे पहले सम ऑफ क्वांटिटी है, अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी आए। क्या है सोल्ड क्वांटिटी? तो यहाँ बोलिए क्या बोले, वेट कीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि अपने सवालों की लड़ी को थोड़ा सा विराम दीजिए और चीजों को देखिए, राइट। आपके जो भी सवाल है इसमें मोस्टली कवर हो जाए, राइट। तो जैसे यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी लिखा है, अब यहाँ पे क्लिक करके, अब जैसे आपने बोला सम, तो यहाँ पे सारे कैलकुलेशन है, जैसे पिवट में होते हैं सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, डिस्टिंग काउंट, स्टैंडर्ड वेरिएशन, वेरिएंस, मीडियन, और इसके अलावा और भी चीजें हैं। तो इन पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद, अभी फिलहाल क्योंकि मुझे जनरली सम या एवरेज चाहिए होता है तो यहाँ पे इसका चाहिए, और मैं यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी को चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे इसके तीन डॉट यहाँ पे एरो निशान पे क्लिक करेंगे तो ऊपर दिखेगा रिनेम दिस विजुअल। क्या दिखेगा? रिनेम दिस विजुअल। इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना जो भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सोल्ड क्वांटिटी, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे आ, ठीक है। अब ऐसे मुझे रेवेन्यू चाहिए, तो मैं एक बार और क्लिक किया और इसके बगल में मैंने इसको रखा। अब इस पे मैंने अगर सेल्स रखा, अब कई बार हमें जो चाहिए होता है वो नीचे नहीं, सोल्ड क्वांटिटी यहाँ दे दिया, बट मैं यहाँ नहीं अपना टाइटल यहाँ ऊपर देना चाहता। तो ऐसे केसेस में इस किसी भी विजुलाइजेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो उसकी फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे विजुलाइजेशन है, इसी के बगल में आपको दिखेगा फॉर्मेट, ब्रश का निशान। इस पे जब जाएंगे तो इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी लेवल, ये जो सम ऑफ वैल्यू दिख रहा है इसको बोलते हैं कैटेगरी लेवल, इसको यहां से ऑफ कर दीजिए, हट जाए। फिर जनरल के अंदर आपको दिखेगा टाइटल, टाइटल पे क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग करके यहां जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए कि टोटल रेवेन्यू, और लिखना ही नहीं इसकी जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि बोल्ड होना चाहिए, कौन सा कलर का होना चाहिए, कितना साइज का होना चाहिए, क्या इसका बैकग्राउंड भी होना चाहिए, ये चीजें आप यहाँ पे, या इसकी अलाइनमेंट, ये चीजें आप चेंज कर सकते। तो यहाँ पे हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया, पहला कि हम यहाँ किसी भी फील्ड का टोटल कैसे दिखाएं, और दूसरा टोटल दिखाते समय उसका जो टाइटल होता है क्या हम कैटेगरी लेवल के थ्रू शो कर सकते हैं या फिर उसका टाइटल के थ्रू शो कर सकते हैं, और दोनों को कैसे चेंज या फॉर्मेट करेंगे, इसके बारे में समझ में आया? अब बताइए इसमें कोई डाउट, इसमें इतना दूर में इतनी क्लास टॉपिक्स में? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैलकुलेशन पे। जैसे अगर मैंने यहां पे 1 2 3 लिया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि मैंने अपना कैलकुलेशन से रो आईडी आया, तो रो आईडी को लिया तो ये क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा कि काउंट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल बिल, तो इसको रिनेम कर दीजिए यहां से, यहां लिख दीजिए टोटल बिल, टोटल बिल। तो ब्लैंक सेल के अलावा मैंने काउंट करता है नॉन ब्लैंक सेल, किसको काउंट करता है, नॉन ब्लैंक सेल। फिर 1 2 3 को यहाँ रखिए, इसको वापस लेके जाइए। अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे डिस्काउंट है, मुझे डिस्काउंट का एवरेज चाहिए, यहाँ पे मैं
सम की जगह पे एवरेज पे क्लिक कर दूंगा, तो ये डिस्काउंट का एवरेज आ। बट प्रॉब्लम ये है कि एवरेज ये डिस्काउंट का आया। उसके बाद अगला अगर मैं करना चाहता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे कितने कैटेगरी में सेल हुआ है। अब कैटेगरी को काउंट करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि कैटेगरी कई बार रिपीटेड है। अगर मैंने कैटेगरी या सब कैटेगरी को यहाँ डाला, तो यहाँ पे या तो फर्स्ट नेम आएगा, कोई भी एक नेम रैंडम उठा के दे देगा आपको, या फिर लास्ट कोई भी रैंडम लास्ट दे देगा। उसके अलावा यहाँ पे आता है काउंट, काउंट दे देगा टोटल। एक होता है काउंट डिस्टिंग, काउंट डिस्टिंग क्या करेगा, काउंट डिस्टिंग करेगा कि जैसे कि अगर मान लीजिए मोबाइल फोन है, तो मोबाइल कैटेगरी 10 बार आ रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार दिखेगा। कितना बार दिखेगा, सिर्फ एक बार। काउंट डिस्टिंग मतलब काउंट यूनिक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, काउंट यूनिक। ठीक है, अब इसमें एक चीज होता है कि क्विक मेजर यहाँ पे, सो एज ए परसेंटेज ग्रांड टोटल, इसका यूज यहाँ पे नहीं होता है, इसका यूज अलग जगह पे होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किसी भी फील्ड को कैसे रखते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन को चेंज करते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट में बेसिकली दो तरह का फॉर्मेट होता है। ये जो फॉर्मेटिंग आपको बता रहा हूँ, ये दो तरह की फॉर्मेटिंग हर तरह के विजुलाइजेशन में आएगा, ना कि सिर्फ हमारा कार्ड के अंदर। तो हर तरह की फॉर्मेटिंग भी आएगा, उसमें एक आएगा विजुअल, एक आएगा जनरल। तो जनरल फॉर्मेटिंग सबका सेम होता है, चाहे वो कॉलम चार्ट ले, लाइन चार्ट ले, या फिर आप कोई मैप चार्ट ले, या कोई टेबल ले, हर जगह पे सेम आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज है, जिससे इसका साइज के हिसाब किताब लगाया जाता है। उसके बाद इसका पोजीशन पैडिंग, हालांकि ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो उठा कर रखते हैं उसके हिसाब से चेंज होता है। इसमें अगला आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बाद टाइटल। अब इसके अंदर अगर हम ऑन करेंगे, तो यहाँ टॉप में अपना टाइटल दे सकते हैं। ठीक है ना, टोटल इस तरह से दे सकते हैं। और इसकी यहाँ पे अपना हेडिंग कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल, ये आपका हेड चेंज होता है, यानी कि स्टाइल चेंज होता है थोड़ा सा। यहाँ पे बोल्ड करेंगे तो बोल्ड आएगा, कलर चेंज करें, ये सब चीजें हम सेंट्रल करें आए। सब टाइटल, इसके नीचे मुझे एक और टाइटल देना है, तो यहाँ पे हमने लिया सब टाइटल। अब सब टाइटल में लिख सकते हैं इन बॉक्स। ठीक है, और सब टाइटल की भी अपनी फॉर्मेटिंग है। यहां ध्यान रखिएगा, हर चीज का अलग अलग फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है, हर चीज का अलग अलग फॉर्मेटिंग होता है। यहां भी आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग देखने को मिले। डिवाइडर पे क्लिक करेंगे तो बीच में लाइन आएगा, और डिवाइडर का भी अपना खुद का फॉर्मेटिंग है, साइज वगैरह चीजें ले सकते हैं। देन आता है इफेक्ट, मतलब इसकी बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड कलर फिलहाल हटाना है तो हटा सकते हैं, लाना है तो ला सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं कि मेरे पास इस तरह का बैकग्राउंड या कोई और बैकग्राउंड, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद है बॉर्डर, साइड में कोई बॉर्डर नहीं है, तो यहाँ पे आप इसकी बॉर्डर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इफेक्ट में बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर। और बॉर्डर में यहाँ आप बॉर्डर की थिकनेस को बढ़ा, यहाँ पे यहाँ बॉर्डर की कलर चेंज कर सकते हैं और थिकनेस को बढ़ा सकते हो। और दूसरा आता है, जैसे कॉर्नर दिख रहा है ना, मुझे इसको राउंड शेप करना है, तो आप यहाँ जब जाइएगा इफेक्ट में, तो ये आपका यहाँ से राउंड शेप को बढ़ा सकते हैं। 17 कर दिया, ये देखिए आपका कॉर्नर से राउंड हो गया ना, जितना बढ़ाएंगे उतना राउंड हो। उसके बाद शैडो, बैकग्राउंड में शैडो चाहिए। अब शैडो किस कलर का चाहिए, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है, आप यहाँ ब्लू कर देंगे तो हल्का ब्लू आएगा। ठीक है, और आपका शैडो कि आउटसाइड चाहिए या इनसाइड चाहिए, आउटसाइड में कौन सा चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं आप।
ठीक है, हिडन आइकन पे फिलहाल तो इसका जरूरत नहीं, हिडन आइकन अलग होता है क्योंकि ये सबके लिए सेम है ना, तो कुछ कुछ चीजें अलग 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 चीजों अलग अलग चार्ट्स पे इस्तेमाल की जाती है। तो जो मैंने अभी जनरल बताया वो सिर्फ 10 चार्ट का नहीं, हर एक जो भी विजुअल है, मतलब कि जो भी चार्ट्स वगैरह विजुअलाइजेशन है, सब पे सेम इस्तेमाल होता है। सब पे क्या होता है? सेम इस्तेमाल होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपका विजुअल में जब आइएगा तो दो चीजें हैं, वैल्यू जो 38K दिख रहा है और कैटेगरी लेवल जो सोल्ड क्वांटिटी दे रहा है, दो चीजें हैं। वैल्यू में जब आते हैं उसकी फॉर्मेटिंग, उसका साइज, उसका कलर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ था यूनिक। अभी देखिए है 38K, मतलब कि इसने और बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया 1000 में, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। क्या सर? ये ऑटोमेटेड है इसलिए इसने कर दिया। अब जो है आप इसको अगर नन कर दें तो कुछ नहीं दिखेगा, अगर इसको 1000 करें तो 1000 दिखेगा, बिलियन करें तो बिलियन दिखेगा। जैसे यहाँ मिलियन हो गया ना, यहाँ ऑटो है, अब मैं इसको 1000 कर दूंगा तो ये आपको ये दिखेगा 2297,000, और इसको अगर मिलियन करूंगा तो मिलियन में दिखेगा, और बिलियन कर दूंगा तो ये बिलियन में दिखेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट ऑटो रखे या नन रखे। उसके बाद आता है डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ ऑटो है, अगर मैं 0 कर दूं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 मिलियन आएगा। ओके तो यहाँ से आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लाउड लेवल जो होता है, लेवल में आपका जो सोल्ड क्वांटिटी है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि गज चार्ट के ऊपर हम क्या क्या चीजें करते हैं। पहले सबसे पहले गज चार्ट लेते क्या हो। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए, आप सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए कुछ एक दो सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से। किरण जी मुझे आप बताइए कि हम गज चार्ट लेते क्यों, पर्पस क्या है लोगों। सर कार चेक लेते हैं ये, इसमें होटल दिखाने के लिए, माने कोई भी टाउन हो, एड्रेस हो, कन्हैया जी मैं रोड जानता नाम हूं या कि आपको पता है, मैंने किरण जी से बात की थी। देखिए मुझे एक चीज पता है कि आपको चीज पता है, तो क्यों आपसे पूछता हूँ, आपका टाइम वेस्ट करूंगा क्या? मुझे कंफ्यूजन जहां होगी वहां पूछूंगा ना। किरण जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो माइक अनम्यूट करके मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ सर सुन पा रहा था। हाँ आप मुझे आप बताइए कि हम इस कार्ड का यूज क्यों करते हैं। ये सर हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हाँ मैं आज मोबाइल पे अटेंड कर रहा हूँ सर, पिक्चर बाहर। आपको नहीं पता मोबाइल पे अटेंड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में तो आ रहा है ना। हाँ ये कार्ड का जो है, ये जो सम वगैरह दिखाते हैं। देखिए जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें रिपोर्ट की स्टैटिक्स, मतलब कि समरी, टोटल समरी दिखाना होता है, ये जरूरी है। देखिए कोई भी अगर चार्ट अगर आप लेते हैं, आप सभी लोग जो लोग नहीं पता है नहीं समझ में आया आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई डैशबोर्ड आप सर्च कीजिएगा गूगल पे या कहीं किसी भी डैशबोर्ड में देखिएगा, यहाँ पे डैशबोर्ड मैंने लिया, ये दिख रहा है आप, ये जो फिगर्स आप दिख रहे हैं ना, ये सारे फिगर्स कार्ड द्वारा लाए गए, दिख रहा है सर, ये सारे फिगर कार्ड द्वारा लाए गए। जब आप रिपोर्ट बनाएंगे और इस तरह का फिगर आपको चाहिए होगा तो आप कार्ड की सहायता लेंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि जब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लिया क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिया। अब मुझे आप नबी जी बताइए, नबी हुसैन जी,
मैंने इसके ऊपर अपनी क्वांटिटी को रखा और मैंने इसको यहां से एवरेज कर दिया, एवरेज कर दिया। अब मुझे एवरेज ऑफ क्वांटिटी का जगह पे मुझे रेट देना है, क्या देना है, रेट देना है, तो मैं कैसे दूंगा? तो उसको रिनेम करना है ना, मतलब हाँ मतलब कि एवरेज हटाना है इसको, कि उसको यहाँ पे मुझे रेट चाहिए, आप जो रिनेम कर लीजिए, हटा के दूसरा टाइप करना लगा लीजिए, क्या कुछ भी समझ लीजिए, मुझे यहाँ पर रेट दिखना चाहिए। तो इसका ये जो फील्ड नेम है उसमें राइट क्लिक कीजिए और उसको रिनेम करना पड़ेगा यहाँ से। नहीं सबसे पहले बात, यहाँ राइट क्लिक नहीं होता है, ठीक है, यहाँ नहीं इस इसमें तो यहाँ एरो पे नहीं पे, सर, इस ये एरो यहाँ पे, पे फील्ड में वहाँ पे हम बोले ठीक है ना, तो एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ रिनेम कीजिए, यहाँ राइट क्लिक ये करने, बोलते हैं सर राइट, यहाँ राइट क्लिक नहीं होता है सर, राइट क्लिक नहीं होता है यहाँ पे, नॉर्मल जो विजुलाइजेशन है उसके नीचे में जो सर फील्ड वही है तो मैं बोला, आपने बोला सही, लेकिन मैंने बोला राइट क्लिक नहीं, नॉर्मल क्लिक होता है, ओके वहां ठीक मैं क्या बोला, गलत बोल रहे, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, है ठीक है। ठीक है। चलिए अब आप लोगों के पास कुछ और भी कुछ चीजें, अगर कुछ सवाल खुदक रहा होगा तो पूछ सकते हैं सर, बताइए, या आगे बढ़ूं मैं अगली विजुलाइजेशन की तरफ? कार्ड से रिलेटेड कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, इस कार्ड से रिलेटेड कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। कार्ड का ओवरऑल देखा जाए तो टोटल फिगर दिखाने के लिए ही मिलता है, बिल्कुल और कार्ड के अगर बैकएंड में चेंजेस करना चाहते हैं कार्ड का, जो है ना टाइटल में जाकर उसका जो है ना चेंज वगैरह कर सकते हैं, नेम वगैरह जो भी है इसका, वो सारे चेंज हो सकते हैं वहां से। अच्छा जी हाँ, फॉर्मेटिंग की बात करें, कार्ड की फॉर्मेटिंग की बात, जहाँ पे जाकर अपना जो नेम फॉर्मेटिंग लिखा है हर किसी का चेंज हो टाइटल सकता है, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग हर किसी का चेंज हो सकता है, बट अलग अलग हर पार्ट का अलग फॉर्मेट होगा, जैसे टाइटल का अलग होगा, सब टाइटल का अलग होगा, लाइनिंग का अलग होगा, बॉर्डर का अलग होगा, शैडो का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। और ये जो चीजें हैं सिर्फ कार्ड पे नहीं, ओके और जितनी भी विजुलाइजेशन है सब पे ही चीज होता है सर, बस यहाँ पे फॉर्मेटिंग में ही थोड़ा सा टाइम किल होता है, ठीक है, और एक्सेल की तरह कॉपी पेस्ट, वगैरह अगर फॉर्मेट फॉर्म कॉपी चेंज पेस्ट भी करना नहीं कर हो। सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अच्छा यहाँ अगला जो आता है मल्टी रोल, सर, बोलिए बोलिए, क्या बोले, बोलिए सर, बोलिए बोलिए मैम। इसमें ये भी होता है, जैसे कि हमें 10 कार्ड बनाना है तो 10ों कार्ड का जो रहा है हमने एक साथ बना दिया और एक ही फॉर्मेटिंग करके और सब पे अप्लाई कर दिया एक साथ, नहीं, आपको एक कार्ड बनाइए, उसकी ये फॉर्मेटिंग कीजिए और उस कार्ड को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाइए, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक ये है ठीक है ना, ये ठीक आप है कॉपी पेस्ट करते जाइए और फील्ड चेंज करते जाइए। अगर मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे एक साथ कई लोग कई चीजों का टोटल दिखाना है, तो उसके लिए आपके पास आता है ये दूसरा, इसको बोलते हैं मल्टी रो कार्ड, ये रो वाइज आएगा कॉलम वाइज नहीं आएगा, मल्टी रो कार्ड। अब जैसे इसमें मैंने मुझे दिखाना है कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स, तो मैंने कैटेगरी को ड्रॉप किया और अपनी सेल्स को ड्रॉप किया, तो हर कैटेगरी की सेल्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, सब कैटेगरी है। अच्छा चलो सब कैटेगरी हटाता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ नॉर्मल कैटेगरी, ठीक है सर। तो यहाँ पे फर्नीचर इसका इतना रहा, सम ऑफ सेल ले रहा। अब सम ऑफ सेल की जगह पे आप यहाँ पे दे सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं जिसको, दे दीजिए रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू, एंटर मारिए, टोटल रेवेन्यू। और इसकी भी फॉर्मेटिंग, तो इसकी जो जनरल फॉर्मेटिंग है बिल्कुल सेम है जो कि हमने कार्ड की बता, कोई चेंजिंग नहीं है और हर किसी की चेंजिंग नहीं होती, इसलिए जनरल मैं आपको हर बार नहीं बताऊंगा। विजुअल में अब जैसे कि ये आप देखिए कॉल आउट वैल्यू, कॉल आउट वैल्यू मतलब जो ये दिख रहा है 71499.something, उसको बोलते हैं कॉल आउट वैल्यू। अब इस कॉल आउट वैल्यू के अंदर में मान लीजिए कि मुझे बोल्ड करना है यहाँ, ये आपका बोल्ड हो जाएगा, मान लीजिए कि इसका डेस यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा साइज बढ़ाना है घटाना है, बढ़ा घटा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है उसकी फॉर्मेटिंग आप लेवल पे आइए,
लेवल का जो ये आपका ऑफिशियल दिख रहा है ये आपका चेंज कर, जैसे मैं मान लीजिए कि इसको एक कलर कर दिया तो आगे वैल्यू, इसको बोलते हैं कैटेगरी वैल्यू। तीसरा आता है कार्ड। अब कार्ड के ऊपर हम अपना फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे फर्नीचर ऑफिस टेम्पलेट लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। इसके अंदर स्टाइल भी होता है कि आप टॉप में देना चाहें, लाइनिंग दिख रहा है आपको, लेफ्ट से देना चाहें तो लेफ्ट से आएगा, इस तरह के लाइनिंग दे सकते हैं। लाइनिंग की विड्थ को चेंज बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे, जो कोई और कलर चाहिए तो कोई और कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद एक्सेस बार, ये साइड में जो दिख रहा है ना एक्सेस बार कहते हैं इसको। अब इसकी कलर को मैंने जो मैंने पिंक कर दिया और इसकी साइज बढ़ा देता हूं, एक्सेस बार कहते हैं इसकी फॉर्मेटिंग होगा इसमें। समझ में आया आपको मल्टी रो कार्ड और उनकी फॉर्मेटिंग? यस सर। अच्छा, इसमें क्या चीज हम नहीं कर सकते हैं? अनूप जी बताएंगे क्या चीज मैं नहीं कर सकता? इसमें दो चीजें नहीं कर सकता, इसको कॉलम वाइज नहीं बना सकता कि मैं अगर मान लीजिए मैं बड़ा कर दूं और इसको छोटा करूं तो कॉलम वाइज हो जाएगा, नहीं, एक कॉलम वाइज नहीं होगा, जब भी रहेगा रो में रहेगा, पहली चीज। दूसरा, इसकी जो वैल्यू दिख रही है ना इस वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, थाउजेंड में कन्वर्ट कर देना कुछ और कर देना नहीं होगा, नहीं रहे, ठीक है, ये दो चीजें नहीं कर सकते। तो कार्ड एंड मल्टी रो कार्ड, कोई कंफ्यूजन इसमें आप लोगों को? मोहम्मद जफर जी, कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। अन्य जी, कोई कंफ्यूजन? अब सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, आप लोग बता दीजिए कोई कंफ्यूजन है तो। दो चीज समझ में आ गए, कार्ड और मल्टी रोल कार्ड। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आ गया, अच्छी बात। अब बात मैं करता हूं टेबल। अब आपकी पिवट टेबल वाली फीलिंग हो कि हर बार मुझे डेटा को शो नहीं करना होता है, मतलब कि पूरा आप चार्ट वर्ड में कई बार हमें स्टेटिक्स भी शो करना होता है, नंबर्स भी शो करना होता है, तो टेबल। तो हमारे पास दो तरह के टेबल है, पहला है नॉर्मल टेबल और दूसरा है मैट्रिक्स। अब नॉर्मल टेबल की पहले बात कर लेते। नॉर्मल टेबल में जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया कि कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी, इस तरह से टोटल क्वांटिटी निकल गया। अब मुझे यहाँ पे सब कैटेगरी, यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें सेगमेंट वाइज चाहिए, तो सेगमेंट को जब मैं इसके नीचे रखूंगा, बीच में रखूंगा, तो आप देखिए यहाँ ये आपका रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। तो इस तरह से आपका रो वाइज आएगा, ये आपका टोटल आएगा। लेकिन अगर हम बात करें मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स हमें रो एंड कॉलम देता है, यहाँ देख सकते हैं। तो मैं अपना और सब कैटेगरी को रो में और सेगमेंट को मैंने कॉलम में रखा और सेल्स को मैंने रखा वैल्यू। इस तरह से रो एंड कॉलम बाय के हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, चलिए बोलिए। स्क्रीन मेरा चल नहीं रहा है सर, फ्रीज है। सर आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, रीज्वाइन करें, मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा तो सबको होगा ना सर। अगर सबको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे एंड से प्रॉब्लम है, अगर किसी किसी पर्टिकुलर पार्ट को हो रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है, आपका स्टक हो गया होगा प्रोसेसर वगैरह, तो आप एक बार रीज्वाइन करें, ठीक हो जाएगा। तो आपको मेजर पॉइंट समझ में आया कॉल टेबल्स और मैट्रिक्स टेबल के बीच का? सर अब टेबल्स के अंदर, अब मान लीजिए सेल्स रखा, अब मुझे इसके बगल में चाहिए कंट्रीब्यूशन,
जैसे मैं यहाँ से सेगमेंट हटा देता हूँ, इस यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से सेगमेंट हटा दिया, सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे सेगमेंट क्रॉस कर देता हूँ, हट गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कंट्रीब्यूशन, मतलब कि 2976 को इसके टोटल से डिवाइड करना, तो मैं यहाँ क्वांटिटी को एक बार और रखूंगा और इसकी कैलकुलेशन में मैं जाऊंगा यहाँ पे शो वैल्यू एज, दिख रहा है आपको शो वैल्यू एज, इस पे मैं डालूंगा परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल, क्या डालूंगा परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल, तो ये देखिए आपकी परसेंट आ गई, ठीक है। और ये चीज आप यहां भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां नहीं होगा, यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग में, चलिए चलते हैं फॉर्मेट्स में। अब इसमें दोनों का फॉर्मेट मोस्टली सेम ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, मोस्टली दोनों का फॉर्मेट सेम है। अब स्टाइल एंड पे आते हैं, सबसे पहले स्टाइल है आपका कि आपका यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे आपका बॉर्डर हीडर है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये आपका टेबल का स्टाइल है जिसका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। और इसका भी सेम इसी तरह से आपको दिखेगा, बट इसमें एक कॉम्पैक्ट आ जाता है, तो दोनों का अलग बताता हूं, पहले एक बार इसको बता दूं फिर इसको बताऊंगा, ठीक है। देन ग्रिड, ग्रिड मतलब लाइनिंग, तो अगर ऑन कर दिया तो आपका हॉरिजॉन्टल ग्रिड ऑन कर दिया, इसकी कलर मान लीजिए ब्लैक करनी है तो ब्लैक लाइनिंग आए, उसी तरह से यहां दिखेगा वर्टिकल, और वर्टिकल में भी मैं चाहता हूं कि इसकी भी कलर ब्लैक हो तो वर्टिकल आ जाएगी, ठीक है। साइज मोटा पतला यहां से बढ़ा सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि ग्रिड के आने से ये आपका बीच में आया, साइड में यहाँ नीचे बॉर्डर नहीं आया, वो बॉर्डर से आएगा, तो टॉप में बॉर्डर चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, और बॉर्डर के साइज थोड़ा सा बड़ा भी चाहिए, ठीक है। यहां से बॉर्डर ले सकते हैं। देन आता है वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू है, जैसे मैंने अगर बोल्ड कर दिया तो सारे वैल्यू बोल्ड होगा, उसकी कलर, उसकी साइज, उसकी बैकग्राउंड कलर, ये चीजें डिसाइड कर सकते हैं। फिर ऊपर कॉलम हीडर आता है, यहाँ पे अपने कॉलम का हीडर जो है उसकी फॉर्मेटिंग उसकी सेंट्रल कर सकते हैं, उसकी कलर, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है टोटल्स, नीचे जो टोटल्स है टोटल्स की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम की फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे मैं क्वांटिटी की फॉर्मेटिंग करनी, स्पेसिफिक कॉलम में हम यहाँ पे अपनी कॉलम को चेंज कीजिए, जैसे सम ऑफ क्वांटिटी और उसकी वैल्यूज वगैरह, उसकी कलर फॉर्मेटिंग, डिस्प्ले यूनिट्स, डेसिमल प्लेसेस, ये आप कर सकते हैं। अब आता है सेल एलिमेंट, जिसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड कलर करना है, यहाँ पे देखिए कंडीशन चूज कीजिए क्या चाहिए बैकग्राउंड कलर, तो मैं चाहता हूं कि जो मोर देन 1000 है उसका टेक्स्ट कलर या बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, तो क्या होगा इसका चाहिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, यहाँ लीजिए सब कैटेगरी के जगह पे सम ऑफ क्वांटिटी, इसको ऑन किया, एफएक्स पे गया और यहाँ पे हमने लिया रूल, क्या लिया रूल लिया किस पे सम ऑफ क्वांटिटी पे, और यहाँ पे कंडीशन हुआ कि इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1000, क्या 1000, ठीक है। और उसका कलर जो है वो होना चाहिए रेड, क्या लगाइए आ गया रेड, ऐसी फॉन्ट कलर, डेटा बार, आइकन्स, और इफेक्ट्स पे क्लिक करके आइकन्स को चेंज कर सकते हो कि कैसा आइकन चाहिए आप, और आइकन की कंडीशंस यहां से चेंज कर सकते ठीक है। और यहां से आप कॉलम चूज कीजिए और अपने सेल एलिमेंट को यहां से लगाइए, और सेम फॉर्मेटिंग आपका यहां भी।
अब जैसे कि इसकी फॉर्मेटिंग में एक आते हैं लेआउट एंड ग्रिड में, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट और टेबुलर आता है। ये क्या होता है, जैसे मैंने विजुलाइजेशन में सेगमेंट और कैटेगरी एक ही कॉलम में रख दिया, ठीक है ना। तो जैसे एक पिवट टेबल में होता है ना, प्लस माइनस वाला चला आता है, कोलैप्स और एक्सपेंड, वो आ गया। अब ये चीज यहां से कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट की जगह से आप आउटलाइन करेंगे तो इस तरह से आएगा, अगर आप टेबुलर कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा है तो नीचे ही दिख रहा है, यहां पे एरो क्लिक कीजिए, सारा इकट्ठा दिख जाएगा। अब इसमें अगर मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया तो एक ही कॉलम में देखिए आपका कैटेगरी और सेगमेंट दोनों है, अगर मैंने आउटलाइन कर दिया तो ये दो अलग अलग कलर में, अगर मैंने इसको कर दिया टेबलर तो यहां पे थोड़ा सा अलग आएगा, राइट। उसके बाद ग्रीड वही है, ब्लैंक रो पे क्लिक करेंगे तो हर एक के पास ब्लैंक रो कर देगा, फिर वैल्यू की फॉर्मेटिंग वही है, कॉलम हीडर रो हीडर वही है, कॉलम सब टोटल रो सब टोटल वही है, ग्रांड कॉलम एसेटिक कॉलम या फिर यहाँ पे सेल एलिमेंट, बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम। अब आप लोग बताइए कि टेबल्स और मैट्रिक्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, हम दूर करते हैं। आया सर, अगर जैसे तो सेकेंड वाला जो शिफ्ट है तो बोलिए सुनाओ। जैसे यहाँ पे हाँ सब कैटेगरी है, अगर सिर्फ हमको यहाँ से सिर्फ चेयर को अनसेलेक्ट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना है, चेयर को हटाना, चेयर को हटाना है, चेयर्स को जैसे तो इसके लिए फिल्ट्रेशन, टेबल टेबल यहाँ का हम देखिए यहाँ पे ऐसे लोग ऐसे यहाँ पे कोई फिल्टर, ऐसे फिल्टर नहीं लगा सकते, फिल्टर लगेगा आपको यहाँ पे, फिल्टर दिख रहा है ना, तो इसमें ऐड हाँ यहाँ पे सब कैटेगरी दिख रहा है। अब सब कैटेगरी पे यहाँ पे आइए, आने के बाद सिलेक्ट ऑल करके चेयर्स को हटा दीजिए, हट गया चेयर। ठीक लेकिन ध्यान रखिएगा जब फिल्टर आप लगा रहे हो तो दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कि फिल्टर तीन तरह के होते हैं, पहला फिल्टर है जो आप सिलेक्ट करते हैं विजुलाइजेशन, उसका फिल्टर ऑन दिस विजुअल। अब जो फिल्टर में आपने यूज कर रखा है वो, या कोई और फील्ड चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर सेगमेंट के अकॉर्डिंग करना है, तो मैंने सेगमेंट को इसमें डाला और सेगमेंट में बोला कि कंज्यूमर का सिर्फ चाहिए, अभी रिपोर्ट से कंज्यूमर का है, राइट। तो सिर्फ इस विजुलाइजेशन पे वर्क किया। दूसरा आता है फिल्टर ऑन दिस पेज, अब मैंने इस पे कोई फिल्टर रख के फिल्टर लगाया तो इस पेज पे जितने भी चार्ट्स होंगे, चाहे एक हो चाहे 1,000, सब पे फिल्टर अप्लाई है। और फिल्टर ऑन द ऑल पेजेस, इसका मतलब हुआ कि जितने भी पेजेस बने हुए हैं या बनेंगे वो सब पे हमारा ये फिल्टर अप्लाई हो जाए, समझ में आया। प्लीज। देखिए तीन तरह के फिल्टर होते हैं, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, मुझे इसके अकॉर्डिंग कुछ फिल्टर करना है तो फिल्टर को उठाइए यहाँ डालिए और फिल्टर लगाइए। फिल्टर ऑन दिस पेज, अब ये जो पेज नंबर 3 है, इसके जितने भी ये लगे हैं, चार्ट लगे हैं या लगेंगे, वो तो सब पे फिल्टर अप्लाई, ठीक है। और निचला आता है फिल्टर ऑल पेजेस, मतलब कि जैसे पेज नंबर 1, 2, 3, 4, मतलब पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट फाइल को ही फिल्टर करते हैं, समझे कि नहीं, कोई ठीक है सर, समझ दिक्कत। गया। नहीं सर, और किसी को? हाँ सुन रहा हूँ, बोले ना। अच्छा मैं तो ये बोल रहा था, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर इनबिल्ट मिनी फॉर्मूले लगेंगे,
इनबिल्ट है, इसमें अपना खुद का फॉर्मूला नहीं दे सकते, इसमें अपना खुद का फॉर्मूला नहीं दे सकते, इनबिल्ट है सारा। और कुछ पूछना है किसी को? अब इसमें एक चीज आता है, वो आता है स्लाइसर। आप लोगों ने पिवट टेबल में स्लाइसर पढ़ा होगा, याद हो? ठीक है। अब यहां स्लाइसर में जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको सिप मोड के अकॉर्डिंग देखना है, तो सिप मोड लिया। अब जिस सिप मोड पे मैं क्लिक करूंगा जो फर्स्ट क्लास, तो पूरा रिपोर्ट फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग हट बंद हो जाएगा, समझे? उसके अलावा इसकी भी सेटिंग है, प्लीज म्यूट करें। यहाँ पे टाइल्स, आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए। यहाँ टाइल्स, टाइल्स करेंगे तो इस तरह से टाइल्स में आ जाएगा। तो स्लाइसर की सेटिंग है, ड्रॉप डाउन करेंगे तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल लिस्ट करेंगे तो ये वर्टिकल लिस्ट आ जाएगा, क्लियर है? स्लाइसर का हीडर रखना रख रहे हैं, इसकी वैल्यू की फॉर्मेटिंग करनी है, बाकी फॉर्मेटिंग तो बिल्कुल सेम ही है जो मैंने बताया आप। अब ये डेटा जो मैंने अभी डाउन किया है ना, ये सेम डेटा मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, ठीक है। सर, जैसे कि अभी हम लोग फिल्टर वाला भी चेक कर रखते हैं ना, हाँ, कि एक ही स्लाइसर में ऐसा नहीं है। मुझे पता था कोई ना कोई सवाल ये पूछेगा जरूर, बट स्लाइसर में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना होता है। जब भी अप्लाई करेंगे सारे में अप्लाई हो जाएगा ना? जी जी हाँ, लेकिन फंक्शन एक एक्सपेक्ट फिल्टर करके फंक्शन आता है जो आगे बताऊंगा ना आपको, उस फंक्शन की मदद से हम हटाते हैं या फिर अलग अलग टेबल्स में यूज करते हैं। अगर ये दो तीन चार टेबल है आपका, तो एक फिल्टर एक टेबल पे वर्क करता है। अच्छा, समझ गया? ठीक है। तो सेल्स डेटा का फाइल मैंने आपको भेजा अभी, जस्ट व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। और इस फाइल, इस में जो डेटा है ना, उस डेटा की मदद से आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है एक डैशबोर्ड। कौन सा डैशबोर्ड? वो डैशबोर्ड भी आपको मैं पिक्चर में भेज रहा हूँ। अब ये एक्चुअली इस तरह का डैशबोर्ड है नहीं, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मैंने इंटरनेट से देखा है, आइडिया लगाया, इस तरह का डैश दिख रहा है जहाँ पे कई सारे स्लाइसर्स हैं और यहाँ पे उनके टोटल्स हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर ओवरऑल टोटल भी डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ओवरऑल टोटल डाला, इस तरह के टेबल्स बनाने और इसको फिल्टर से कनेक्ट करना, ठीक है। ठीक है सर, बना के आप लाइए और फिर मैं ट्यूजडे को आपसे मैं एक बनाऊंगा। तो याद देखिएगा, डैशबोर्ड हमेशा 50-50 होगा, एक आप बनाएंगे और एक मैं बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डैशबोर्ड हमेशा 50-50 होगा, यस सर, एक मैं बनाऊंगा एक आपको बनाऊंगा। तो ये पहले आपको बनाना है, फिर कल ट्यूजडे को मैं एक डैशबोर्ड बनाऊ, और हर एक कैटेगरी के बाद दो डैशबोर्ड का सिलसिला चलेगा, समझे? ताकि हमारा डैशबोर्ड भी साथ साथ चलता रहे ना, ताकि पता तो चले कि ये हम जो सीख रहे हैं उससे बनेगा क्या,
करेंगे क्या कैसे, क्योंकि लास्ट में अगर डैशबोर्ड करेंगे तो पता चला कि आधी चीजें तो आप भूल गए,